नमस्कार दोस्तों, गेट सक्से 247 के एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे कि राजस्थान जेल प्रहरी का जो 28 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम रद्द हुआ था, उसका अब दोबारा एग्ज़ाम होने जा रहा है 29 नवंबर को। ये एक प्रेस विज्ञप्ति आई है न्यूज़पेपर में, आप सभी ने शायद देख ली होगी। नहीं देखी है तो ये वीडियो पूरा देखना, और साथ ही साथ दो और पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे कि अब इसका रिजल्ट कब तक आएगा और इसकी कट ऑफ कब तक आ जाएगी, और ये जो 29 नवंबर को एग्ज़ाम है इसका एडमिट कार्ड कब तक आ जाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, वीडियो को अंत तक पूरा देखना। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आते रहे। अब पूरी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, आपको ये प्रेस विज्ञप्ति दिखा देता हूँ। पहले तो आप सभी ने शायद देखी होगी, अदरवाइज देख लो, नहीं देखी है तो 20/11 का ये प्रेस विज्ञप्ति है, न्यूज़पेपर में आई है। हालांकि अभी ये वेबसाइट पर नहीं आई है लेकिन जल्दी वेबसाइट पर आ जाएगी। अब इसमें क्या दे रखा है कि जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 2018 का दिनांक 28 अक्टूबर 2018 को प्रथम पारी का जो पेपर रद्द हुआ था, अब वो पुनः होगी। कब होगी? 29 नवंबर 2018 को होगी। यानी कि जिनका भी रद्द हुआ था वापस से तैयारी जोरों शोरों से शुरू कर देना, 29 नवंबर को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। अब इसका एडमिट कार्ड कब तक आ जाएगा? वो आएगा 26 नवंबर को, ध्यान रखना 26 नवंबर को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। वेबसाइट पर आप जाके डाउनलोड कर लेना। तो दोस्तों ये तो बात हो गई कि आपके जो 28 अक्टूबर का एग्ज़ाम था वो कब होगा, 29 नवंबर को होगा, 26 नवंबर को इसका एडमिट कार्ड आ जाएगा, डाउनलोड कर लेना। अब बात करते हैं कि इसकी कट ऑफ, जो बचे हुए जिनका एकदम सही तरीके से हुआ था, जिनका रद्द नहीं हुआ है, उनकी कट ऑफ और उनका रिजल्ट कब तक आएगा। अब ये दो चीज़ आपके दिमाग में घूम रही होगी। तो देखिए, अब ये हो गया कि 29 नवंबर को तो एग्ज़ाम फिक्स हो गया है, तो नवंबर तो एंड हो चुका है और आपको पता है कि दिसंबर स्टार्टिंग में आपके चुनाव है। तो ये जो प्रोसेस है कट ऑफ का और आपके जो रिजल्ट का प्रोसेस है, वो मिड दिसंबर के बाद स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि ऐसा हम कह सकते हैं कि दिसंबर एंड तक इसका ये जो प्रोसेस है कट ऑफ का और रिजल्ट का, ये स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि कट ऑफ वगैरह आनी स्टार्ट हो जाएगी दिसंबर एंड तक, हम ये मान सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि दिसंबर स्टार्टिंग में तो चुनाव है, उस टाइम कोई इसकी प्रक्रिया होगी नहीं। तो क्या बचता है? दिसंबर मिड के बाद, यानी 15 दिसंबर के बाद हम मान सकते हैं कि कभी भी आपकी कट ऑफ और रिजल्ट आ सकता है। तो आप तैयार रहिएगा, जिनका अच्छा खासा स्कोर है फिजिकल की अच्छी खासी तैयार करनी शुरू कर दो। तो पूरा प्रोसेस आपको पता चल गया है, और कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो कमेंट कर देना। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक जरूर करना। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं एक वीडियो में।